डियर स्टूडेंट, आज हम पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है फ्लैनल बोर्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लैनल बोर्ड। तो फ्लैनल बोर्ड क्या होता है? ये एक सहायक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है, दृश्य सामग्री के रूप में। तो हमारा जो भी चल रहा था कंटेंट वो दृश्य सामग्री का था। तो दृश्य सामग्री के अंतर्गत हम सबसे पहले ये बात करने जा रहे थे कि हमने जो जो टॉपिक उसके अंदर पढ़ लिए थे, तो आपने चार्ट भी पढ़ा, मानचित्र पढ़ा है, और भी बहुत सारे थे जो हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फ्लैनल बोर्ड। तो फ्लैनल बोर्ड क्या होता है? फ्लैनल बोर्ड अपने आप में एक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री ना होते हुए भी एक जो हमारा श्यामपट है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे शिक्षण अधिगम के अंतर्गत, तो उसी तरह श्यामपट की तरह कार्य करता। पर श्यामपट में हम लिखित रूप में कार्य करते हैं और कुछ हाथों से बनाकर ड्रॉ कर भी बताते हैं, परंतु जो फ्लैनल बोर्ड है वो चित्रात्मक रूप में शिक्षण अधिगम के अंतर्गत कार्यकर्ता और प्रदर्शन का आधार बनता है। तो ये उपकरण जो है सबसे सस्ता होता है, इसे हम खुद भी बना सकते हैं। जो फ्लैनल बोर्ड है बहुत ही सस्ता होता है, मतलब इजीली अवेलेबल हो जाता है, हम इसको बना भी सकते हैं और खुद खरीद भी सकते हैं, ऐसा भी है इसके लिए। और अधिगम में जो फ्लैनल बोर्ड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसमें चित्रात्मक रूप में जो भी अधिगम हम कराते हैं वो चित्रात्मक रूप में कराया जाता है। और चित्रात्मक रूप में जब हम कोई भी शिक्षण कार्य करते हैं तो विद्यार्थियों को वो रोचक लगता है, रुचिपूर्ण लगता है, और साथ ही यह अधिगम को सरल एवं सुगम बना देता है। इस बोर्ड की रचना बहुत ही साधारण होती है, यानी कि अब फ्लैनल बोर्ड तो आपने जान लिया कि श्यामपट की तरह ही होता, परंतु इसमें प्रदर्शन जो किया जाता वो चित्रों के रूप में किया जाता। तो ये किस प्रकार बनाया जाता है, इसकी जो बनाने की विधि वो भी बहुत ही एकदम इजी। इसको बनाने के लिए हमें 36 इंच का हार्ड बोर्ड की ज़रूरत होती है। 36 इंच के हार्ड बोर्ड की आवश्यकता होती है। हार्ड बोर्ड भी ले सकते हैं हम, या प्लाईवुड जो होती है, प्लाईवुड वगैरह जो हम यूज़ करते हैं उसको भी ले सकते हैं, पर इसका जो एक माप दिया गया आदर्श वो हमारा दिया गया है 36x48 इंच का। हम एक हार्ड बोर्ड ले सकते हैं या फिर प्लाईवुड ले सकते हैं, या फिर बोर्ड या फ्रेम पर एक कपड़ा लगा सकते हैं। तो जो फैनल जो होता है, फैनल एक तरह का कपड़ा होता है, तो हम हार्ड बोर्ड लेके या प्लाईवुड लेके उसके ऊपर 48x36 इंच का हमें लेना, उसके ऊपर हम प्लाई जो फैनल होता है उसका कपड़ा लगा दिया जाता है। इस पर क्या किया जाता है, अब जो हमने गत्ता लिया है, जो भी हमने प्लाईवुड ली उसके ऊपर हमने फैनल का कपड़ा तो लगा दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, इस पर कागज काट कर विभिन्न प्रकार के आकार देकर हम विभिन्न प्रकार के जो भी कंटेन होते हैं या विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं उनको समझा सकते हैं। यानी कि 36x48 इंच का हमें हार्डबोर्ड लेना है या फिर प्लाईवुड लेना है, और उसके ऊपर फैनल का कपड़ा लगाना है। फैनल का कपड़ा लगाने के बाद में इसका उपयोग क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के कागज, आप उसे कलर में भी ले सकते हैं, उन्हें लेकर विभिन्न प्रकार के आकृति दी जा सकती है, और आकृति देकर इस माध्यम से हम अधिगम को सुगम बना सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि इन कागजों को हम आवश्यकता अनुसार उपयोग में ले सकते हैं, जैसे कठिन उपकरणों के चित्र बनाने तो भी हम ले सकते हैं, ग्राफ बनाना है या फिर रंगीन डायग्राम बन रहे हो या जो भी हमें बनाना है, इसके पीछे ये सब हम बना सकते हैं। और इसके पीछे सैंड पेपर लगा होता है, सैंड पेपर को हिंदी में रंगमाल भी कहते हैं, इसकी पट्टियाँ लगी होती बीच में चिपका दी जाती है। यानी कि ये जो फ्लैनल बोर्ड पे हम जो चित्र रंगीन पेपर के या पेपर के कागज़ चिपकाते हैं जिन भी आकृति के, तो उनके बीच में सैंड पेपर की पट्टियाँ चिपका दी जाती है। इस बोर्ड का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किया जाता है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए हम इस चीज़ का जो फ्लैनल बोर्ड का उपयोग सबसे अधिक छोटी कक्षाओं में किया जाता है, और वो भी गणित का, भूगोल का, विज्ञान का, इतिहास आदि विषयों का जो हम शिक्षण कार्य कराते हैं, तो हम इस फ्लैनल बोर्ड का उपयोग छोटी कक्षाओं के लिए ही करते हैं। अब आपने जो पढ़ा था वो मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दी कि जो फ्लैनल बोर्ड है हमारा दृश्य सामग्री का महत्वपूर्ण एक सहायक सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है, और ये जो हमारी सहायक सामग्री, संपूर्ण सहायक सामग्री हम इसको कह सकते हैं एक तरह से, पर जो श्यामपट है उसी की तरह कार्य करता है, पर इसमें जो कार्य किया जाता है वो चित्रात्मक रूप में किया जाता है। और इसको ये बहुत ही सस्ता होता है, इसको हम खुद भी बना सकते हैं। इसके बनाने की विधि मैंने आपको बताई, 36x48 इंच का हार्डबोर्ड ले सकते हैं, प्लाईवुड ले सकते हैं, उसके बाद फैनल का कपड़ा चिपकाना, कपड़ा चिपकाने के बाद हम उस पर विभिन्न प्रकार के कागजों से विभिन्न प्रकार के आकृतियाँ बना के चिपका सकते हैं, उन कागजों के बीच में हमें सैंड पट्टी की पट्टियाँ बीच में चिपकानी होती है। तो इस प्रकार हमारा फ्लैनल बोर्ड बन जाता है, और फ्लैनल बोर्ड
सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाते हैं छोटी कक्षा में जब उन्हें गणित पढ़ा रहे, क्योंकि गणित में विभिन्न प्रकार के आकृतियाँ होती है, विभिन्न प्रकार के शेप हमें पढ़ाने होते हैं, भूगोल पढ़ाना होता है, विज्ञान में विभिन्न प्रकार के डायग्राम है, इतिहास है आदि विषयों का हम जानकारी छोटी कक्षा में फ्लैनल बोर्ड के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं, जिससे कि विद्यार्थी शिक्षण में रुचि भी लेते हैं तथा वो जो भी पढ़ रहे हैं उनका वो ज्ञान बोधगम्य हो जाता है, उन्हें जल्दी से समझ में आ जाता है और वो ज्ञान उनके लिए स्थायी होता है। अब जो फ्लैनल बोर्ड जो है हमारा, इसका उपयोग क्या होता है? फ्लैनल बोर्ड का उपयोग, यानी कि हम इसका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, आपको मैंने पहले बताया कि इसका क्या क्या उपयोग था। तो पहला उपयोग यह कि इस बोर्ड पर पहले से तैयार डायग्राम होते हैं या ग्राफ के चित्र होते हैं, तो ये सब जो चीज़ें होती है वो पहले से हमें तैयार करनी पड़ती है और इन सबको हम तैयार करके डायग्राम हो गए, ग्राफ हो गया, कोई भी चित्र हो गया, उसको पहले से तैयार करने के बाद हम इसका शैक्षिक उपयोग किया जाता। तो फ्लैनल बोर्ड का सबसे पहला उपयोग जो है वो इसका उपयोग शैक्षिक उपयोग के लिए किया जाता है और इसमें पहले से हम अपने जो भी ये ग्राफ होते हैं, डायग्राम होते हैं, चित्र होते हैं, पहले से हम तैयार कर देते हैं, फिर हमारे शिक्षण में हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है, डायग्रामों को जो है क्रमानुसार कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि जो शिक्षक है, शिक्षक कार्य में जो कटे हुए कागज़ की जो हम ब्लोटिंग बनाते हैं पेपरों की, यानी जो हम कटिंग करते हैं उन पेपरों को, हमें डायग्राम को क्रमानुसार उपयोग में लेना चाहिए। क्रमानुसार इसका उपयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए? यानी कि क्रम के अनुसार एक व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। हमने जिस प्रकार से ब्लोटिंग की पेपरों की, जिस प्रकार से हमने उनको चिपकाया, तो पहले हमें कौन सा डायग्राम बताना, फिर कौन सा बताना, तो इनको हमें क्रमानुसार व्यवस्थित रूप से शैक्षिक उपयोग इसका करना चाहिए। फिर जो है शिक्षक द्वारा जो विभिन्न खंडों का चित्रादि या कथन या रोचक बोधगम्य बना सकते हैं, यानी कि शिक्षक जब विभिन्न प्रकार के खंड पढ़ा रहा हो या कहानी पढ़ा रहा हो तो वो अपने कथन को रोचक बनाने के लिए फ्लैनल बोर्ड का उपयोग कर सकता है। तो आज हमने पढ़ा था फ्लैनल बोर्ड का किस प्रकार क्या उपयोग होता है या फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार से बनता है और किन कक्षाओं में इसका उपयोग होता है, वो आज हमने जानकारी ली। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्लैनल बोर्ड हमने पढ़ा, जो कि दृश्य सहायक सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ भी कहा जाता है। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब दूसरा हम दृश्य सामग्री का पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।